रील का टॉपिक ले। आगा, का, 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 नहीं नहीं एक मिनट, सारे टॉपिक रुकने दो, सारे टॉपिक क्या लगाने गए दोस्तों, रुको। मुझे एक बात बताओ, एक रील देखी मैंने, आ क्या वो रील में वो बंदा बोल रहा है कि ये सच्ची कहानी है दोस्तों। एक दिन एक लैला और मजनू, मतलब आशिक और उसकी आशिकिनी, दोनों बाइक पे जा रहे थे फास्ट। अचानक से मजनू बोलता है लैला को कि लैला लैला, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मुझे घट्टा मिठी मार के दिखाओ। लैला उसको मिठी मारती है, आई बाप रे। उसके बाद मजनू विचार करता है, हाँ वाह। उसके बाद मजनू बोलता है इसकी परीक्षा और एक बार लेते। लैला लैला, अगर तुम मुझसे और ज्यादा प्यार करती हो ना तो मेरा हेलमेट निकाल के अपने सर पे पहन के दिखा तो जानू। लैला बोलती है मजनू 100% मेरी जाने तमन्ना, ये ले। लैला मजनू का हेलमेट पकड़ती है, स्ट्रैप ओपन करती है, निकालती है, पहनती है, स्ट्रैप लगाती है। उसके बाद उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और लैला बच जाती है, मजनू मर जाता है क्योंकि लैला ने हेलमेट पहना था और मजनू ने नहीं। संभाले में गाड़ी चला रहा हूं, अबे बिना ब्रेक की गाड़ी कंट्रोल की जाती है, उसके लिए टाइम मिलता है। जब तक वो उससे बात करता कि लैला तू अगर मुझसे प्यार करती है तो मुझे मिठी मार के दिखा, गए 3-4 सेकंड बराबर है। लैला ने एक कुछ तो बोला होगा कि भाई ऐसा क्यों, वो बोला होगा कि भाई प्यार करती है तो दिखा, उसने मिठी मारी, तकरीबन 12-15 सेकंड गए। वो 12-15 सेकंड के बाद उसने सोचा 3-4 सेकंड 18-19-20 सेकंड पकड़ो, चलो कुछ नहीं 20 सेकंड पकड़ो। 20 सेकंड के बाद वो बोलता है कि मेरा हेलमेट तू पहन अगर तुम उससे प्यार करती है क्या नहीं। वो फिर से सोचेगी ऐसा क्यों कर रहा है, एड़ाई क्या ये। अरे पहली चीज तो वो सोचेगी कि तू गाड़ी चला रहा है, तू हेलमेट पहनेगा भाई, मेरा बाद में का विषय, पहला तेरी प्रायोरिटी होना चाहिए। उसने नहीं सोचा, माइनस कर दे, बट मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड लगे इन सारे मैटर के लिए। उसका स्ट्रैप निकालने के लिए 5 सेकंड लगेंगे, अगर वो डी वाला स्ट्रैप होगा तो उसको तो बहुत टाइम है। चलो अपन पुराने जमाने का स्ट्रैप ले ले, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन लैला उसका स्ट्रैप निकालने में, उसका हेलमेट उठाने में और खुद पहनने के लिए कम से कम 10 सेकंड तो मिनिमम लगेंगे मेरी जान। बताओ 45 सेकंड के आसपास टोटल सेकंड पकड़ लेते हैं, ठीक है, आप और मैं सब मिला के 45 सेकंड पकड़ लेते। लैला ने पहना, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, मतलब इनके पास तकरीबन 45 मतलब 1 मिनट के बस 15 सेकंड कम वाला टाइम बाकी था। अब ये कुत्ता फर्ज करो, अगर ये पुरानी लव स्टोरी है, उस टाइम पे स्पीड होगी इनकी वो 110-120, उसके उससे ज्यादा तो स्पीड नहीं हो सकती दोस्त उस जमाने में, या 200 होगी। 200 पे इतना टॉकिंग कैसे हो सकता है, 200 पे लोगों के भौया उड़ जाती है तो इतना बात कैसे करेंगे। मैक्स टू मैक्स 80-90-100 ओ इतना ही होगा। अब इतने स्पीड में अगर उनका बाता चल रहा है, उस बातों का अगर वेस्टेज करने से अच्छा वो गधा मिंटर डुक्कर क्लच दबा लेता, एक गियर कम करता, छोड़ रहा है, फिर तीसरे गियर पे आ गई, तीसरे गियर के बाद थोड़ा चौथे दूसरे गियर पे, लैला बोलेगी क्या हो गया मजनू, अरे कुछ नहीं ब्रेक फेल हो गया था बच गए। अरे लैला तेरा मजनू भी जिंदा होता है और तू भी जिंदा है, मतलब तू है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट अगर तेरा मजनू जिंदा होता तो कितनी खुश होगी, अब उसका हेलमेट पकड़ के तू बैठी है, ये काय की सच्ची लव स्टोरी है रे, इसका क्या कनेक्शन है किसी दूसरे चीज से रे, मेंटल काय का मंद व्यक्ति महत्व है। अरे कोई अगर 200 के स्पीड में इतना वार्तालाप करके जिंदा कैसे बचेगा, अरे इतने में तो दोनों की विकेट चली जाती ना, अगर वो एक्सीडेंट होता ही, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम बचा था तो तुम बच जाते, मेंटल मजनू कहीं के दिमाग चलाता तू तो साला सर्किट साला। अरे कौन है रे ये, कहां से आते रे को, अरे वो रीलर, वो रीलर, अरे इन रीलर को ना आधे लोगों को तो कुछ नॉलेज ही नहीं होती, कुछ नहीं पता होता, इधर से उधर से किधर से आधा अधूरा ज्ञान खींचते और बस व्यू से। लैला ने ऐसा किया, अब वो लैला आपको पता है हमेशा हेलमेट पहन के ही इधर उधर घूमती है मजनू की याद में। आज 25 साल हो गए साला, 25 साल उसने हेलमेट नहीं निकाला, 25 साल से उसका चेहरा नहीं देखा किसी ने, वो दर्द में तड़प रही है कि मजनू मेरा आएगा, मजनू मेरा आएगा, लेकिन कब आएगा रे, कब आएगा रे मजनू। क्या रील बनाता रे, क्या रील, क्या संबंध है रील सा, कुतरा कुछ भी बनाते, अरे कुछ तो दुख बना सालो, कुछ स्टोरी बना रहे हो तो कई बार मला असला राग आला होता ना ती रील बघता ना, कि काही ही मनात आणतात रे, आणि बाइक बाइकला बदनाम केले घेणं नाही देणार आमचा भाई, आमचा विषय तो बाइकिंग आम्ही चालवतो, मला एक सांग माझी गाडी 150 ला असेल ना भाई, तुला मी मॅक्स टू मॅक्स 5-7 सेकंद लावीन गाडी डायरेक्ट स्पीड मध्ये कंट्रोल आणला, ते पण विदाउट ब्रेक, इंजिन ब्रेकिंग म्हणतात रे, इंजिन ब्रेकिंग बोलते उसको। और उस मजनू को इंजिन ब्रेकिंग आती भी नहीं ना, वो अनपढ़ भी होगा ना तभी भी वो स्लो कर सकता था, के बाबा
ये ना, ये मजनू जो है ना, उसको तो मरना ही था दोस्तों, उसको खुद को संभावना ही था। और इस टॉपिक को लेके उसने बोला कि इस लैला के साथ रह के वैसे भी लाइफ बर्बाद हो गई है, क्योंकि वो बहुत इरिटेट करती होगी, उसको कुछ ना कुछ मैटर, कुछ ना कुछ इरिटेशन रहता होगा, वो कंटाल गया होगा उसको, उसको चाहिए था मरने का बहाना। तो वो बोला कि भाई मेरे मतलब इसके जगह मैं मर जाऊंगा, सारा टेंशन फ्री रहूंगा, ये लाइफ चाहिए नहीं मजनू, मजनू चाहला मजनू चतरा। लैला एकदम रिलैक्स जी रही है, लैला का दूसरा शादी भी हो गया होगा, लेकिन मजनू ऊपर से देख रहा होगा लैला को, आईला मला वाटलं होतं मी कुर्बानी देईल तरी सुधरली, पण नाही रे केला लागणार नाही, केला लागणार आईच्या गावात कुत्रा यायचा, यायचा माकड मजनू डुक्कर लाईला, कुछ भी स्टोरी बनाते दोस्तों। ऐसे अंधविश्वास पे तुम सम्मोहित मत हो ना, नहीं तो वो रील देख के बहुत सारे लोग सच में यार प्यार कितना अमर होता है, प्यार की परिभाषा ही अलग है। अरे हाँ है, प्यार की परिभाषा अलग है, करते हैं लड़कियां लड़कों के लिए कुर्बानी देती है, लड़के लड़कियों के लिए देते हैं कुर्बानी, लेकिन हेलमेट निकाल के उसके सर पे हेलमेट देके ये कुर्बानी कौन सी कुर्बानी है भाई, ये कौन सी कुर्बानी। इधर मेरे को कोई मिलता है मुझे बोलता है हेलमेट निकाल, सीमा मेरी छाती पीक जाती है कि हेलमेट अब निकालना है, मतलब भाई वो स्ट्रैप खोलो, हेलमेट निकालो, कान दर्द करेंगे, उसके बाद फड़का निकालो, कितना स्टेप है उसमें, और ये कौन सा स्टेप है जो सामने ट्रक आ ले ना, तुमसे प्यार करती हूँ, करती हूँ प्यार लाला, तो अगर मुझसे प्यार करती हो जल्दी हेलमेट निकाल, ये चाइला ये ना प्यार करती हूँ डाली लाला, ठार लैला बच गई मजनू खलास। अरे काय स्टोरी है, चाय चगावत रे, ए बस बस काय इशे ने भाई मला गावेला लागला।